सपा विधायक पिंकी यादव सड़क हादसे में मृतक परिजनों से शोक संवेदना प्रकट करने पहुंची। आपको बता दें कि संभल के केला देवी थाना क्षेत्र के गवा संभल मार्ग पर शाम को तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को रौंद दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भाग गया। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने तुरंत तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया। वहीं इधर हादसे की सूचना मिलने के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली खड़ी करके जाम लगा दिया। वहीं इस हादसे की सूचना मिलने के बाद असमौली से सपा विधायक पिंकी यादव ने सड़क हादसे में मृतक परिजनों से मुलाकात किया और शोक संवेदना प्रकट की। निधन की सूचना मिलने पर नरंगपुर गांव में पहुंचकर मृतकों के परिजनों से विधायक पिंकी यादव ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की है और इस दुख की घड़ी में परिवार वालों के साथ खड़े रहने का उन्होंने वादा किया है। वहीं सपा विधायक पिंकी यादव ने सरकार से मांग किया है कि परिवार को हर संभव मदद का प्रयास किया जाए।